नमस्कार, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका मॉमीज डायरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपने बच्चे के लिए, जो कि 2 साल का है, उसके लिए घर में कौन कौन सी दवाई रखी हुई है ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें तुरंत भागना न पड़े। कुछ दवाइयां हैं जो बच्चों के साथ हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि कोई सी भी दवाई देने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट जरूर करें, उनका नंबर अपने पास रखें ताकि जब ज़रूरत हो तो आप उनसे बात कर सकें और उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी प्रॉब्लम बता के ही बच्चे को दवाई दें और उसका डोज डॉक्टर ही बताएं। बच्चे के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने हिसाब से दवाई ना दें, डॉक्टर से पूछ के ही दवाई दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक इस तरह का बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें उसकी दवाइयां रखी हैं। बच्चों की दवाई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका मैन्युफैक्चर कब हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है। हमें बिल्कुल भी एक्सपायरी डेट की दवा नहीं देनी, और अगर एक बार दवा खोल दी है तो कोशिश करें कि उसको 1 महीने के अंदर यूज़ कर ले, अदरवाइज 1 महीने के बाद उस दवा को यूज़ ना करें। पर कुछ दवा जैसे कि पैरासिटामॉल हो गई, सेट्रिजिन हो गई, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, पर एकदम प्रॉपर तरीके से साफ करके इसको बंद करके रखें ताकि कोई भी कचड़ा या कुछ भी उसमें अंदर ना जाए। सबसे ज़रूरी दवाई है पैरासिटामॉल। बच्चे के साथ हमें पैरासिटामॉल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को सबसे पहले फीवर आता है तो हम डॉक्टर से पूछ के उनको डोज के हिसाब से उनको दे के इंस्टेंट रिलीफ दिला दें, फिर आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फिर एक दवाई होती है जिसमें कि पेन किलर भी रहता है साथ में और पैरासिटामॉल भी रहता है। इन दवाइयों को हम तब यूज़ करते हैं कि अगर बच्चे को कोई चोट लग गई है और उसे दर्द है या वैक्सीनेशन है उसके बाद उसको दर्द है और बुखार भी है, तब ये दवाई यूज़ करते हैं। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि आप कोई भी दवाई यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से डोज पूछ के ही यूज़ करें कि कब देनी है और कितनी देनी है। दूसरी दवा है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन सिरप रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, रैशेस होते हैं पसीने से, बच्चों को चींटी काट ली, किसी कीड़े ने काट लिया, उससे एलर्जी होती है, तो सेट्रिजिन भी रखें अपने पास ताकि अर्जेंट में आपको भागना ना पड़े। नेक्स्ट है गट प्रो या इस टाइप के शैशे आते हैं रेसिजिल करके, ये आपके प्रोबायोटिक हैं जो कि बच्चे का जब स्टमक अपसेट होता है तब अपन उसको देते हैं, उसको डायरिया है, बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ स्पेशली समर और मॉनसून में क्योंकि इस टाइम पे बहुत स्वेटिंग होती है। अगर नॉर्मली बच्चा डिहाइड्रेट लग रहा है आपको, और बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो आपको ये अपने पास रखना है ताकि बच्चे को आप बीच बीच में पिलाते रहें। इन केस अगर वो बीमार नहीं भी है और आपको लग रहा है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको बना के बच्चे को दिन में थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। फिर आता है जिंक सॉल्यूशन, जिंकोपॉल। ये अपन तब देते हैं जब बच्चा लूज मोशन हुआ है, डिहाइड्रेट हो गया, डायरिया हुआ है, उसके बाद बच्चों में जिंक की कमी बहुत जल्दी होती है क्योंकि बच्चों की बॉडी रिस्टोर नहीं करती है मिनरल्स, उनमें बहुत जल्दी लॉस होता है, उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो जिंक ऑक्साइड देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ये जनरली लूज मोशन के बाद दिया जाता है, ये जनरली लूज मोशन, डायरिया इन सब में दिया जाता है जब बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर एक्स करके ट्यूब आती है, अगर बच्चा जल गया है, उसको चोट लग गई है, तो उसमें ये ऑइंटमेंट बहुत काम आता है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। कब अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए एटलीस्ट हम उसको इंस्टेंट रिलीफ दे पाएँ, पर अगर ज़्यादा है चोट तो डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों को इमीजिएट ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, पर आप अपने से ट्रीटमेंट ना करें, रिलीफ दे के डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, और कुछ भी अगर आप बच्चे को दवा दे रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही। है कैलामाइन लोशन, आप लैक्टोकैलामाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कैलामाइन लोशंस आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, मानसून है, इसमें बहुत खुजली होती है, रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अगर मॉस्किटो बाइट हो गया है, बच्चे को मच्छर ने काट लिया या चींटी ने काट लिया, तो आपने देखा होगा रैशेस पड़ जाते हैं, तो उसमें ये लोशन अप्लाई करें, बहुत रिलीफ मिलता है बच्चों को। और फिर हम इसको कैसे भूल सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट। मैं जनरली ममा अर्थ का मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बच्चों पे इसका हार्म नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक है, और इसमें आपको बहुत थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, वो भी बच्चों की बॉडी पे नहीं अप्लाई करना पड़ता, उनके कपड़ों पे अप्लाई करिए और मच्छर दूर भाग जाते हैं। फिर मैंने एक यहाँ पे एंटीबायोटिक टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रखा हुआ है कि अगर बच्चे को कुछ चोट लग गई है और उसमें ऐसा लग रहा है कि रेड है, लाल पड़ रहा है, लालपन पड़ रहा है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं तो इससे बच्चे को आराम मिलता है। मैं आपको वो सारी दवाइयाँ बता रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मेरे बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हैं, आप वही दवाइयाँ यूज़ करें जो आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो, अपने से कंटेंट देख के या दवाइयाँ बच्चों को ना दें। मैं बार बार यही कहूँगी कि बच्चों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, जो भी डोसेज देना है या जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है दवा, वही दवा दें बच्चों को।
थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के साथ। मेरे पास ये दोनों हैं, डिजिटल थर्मामीटर और मर्करी वाला। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिजिटल ज़्यादा कन्वीनियंट है बच्चों के साथ, क्योंकि मर्करी वाले में लगाने में बहुत प्रॉब्लम है और अगर थोड़ा सा भी झटका लगा तो वो तुरंत टूट जाता है। डिजिटल वाले की रीडिंग भी ईजिली हम पढ़ पाते हैं, इसलिए डिजिटल वाला बच्चों के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आजकल सेंसरी थर्मामीटर जो चले हैं, जिनको फोरहेड पे रख के ही टेम्परेचर पता चल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है बच्चों के। डोसेज की बात करें तो मैं अपने बच्चों को विटामिन D3 प्लस कैल्शियम का जो कॉम्बिनेशन वाला सिरप आ रहा है वो चलता है उसका, और एक मल्टी विटामिन अगर आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और जितने टाइम के लिए बताता है सिर्फ उतने टाइम के लिए देना है। अपने से डोज डिसाइड ना करें, अपने से बच्चों का ट्रीटमेंट ना करें। तो ये कुछ मेडिसिंस थी जिनका मैंने आपको आइडिया दिया है कि अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें तुरंत भागना ना पड़े, स्पेशली इस टाइम पे जब कोरोना चल रहा है, जबकि हम तुरंत भाग नहीं सकते। हो सकता है कई बार मेडिकल शॉप्स बंद हो, तो ये दवा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। पर ध्यान रखें कि अपने पीडियाट्रिशियन का नंबर अपने पास रखें, ताकि आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करने के बाद ही बच्चे को कौन सी दवा की ज़रूरत है और कितना डोज देना है ये डिसाइड करें और दें। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको दिखाने की ज़रूरत है तो जाके उनको जरूर दिखाएं। वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है, आशा है आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प तो करेगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।